वो चोरी? दादी साहब, जब आपसे ये पाया था मैंने, तो मैं अंदाजा भी ना लगा पाई थी कि अपना कितना बड़ा विश्वास सौंप रही हैं आप मुझे। दूजों के लिए उसका मोल भले ही हजारों में होगा, पर आपके लिए आपने तो शायद कभी इसका मोल लगाने की कोशिश भी ना की होगी, क्योंकि ये तो यादें हैं आपकी, आपके संघर्ष की, अकेली जिंदगी से लड़ने की कीमती यादें, जिनका कभी कोई मोल लग ही नहीं सकता। अब वक्त आ गया है कि मैं ये आपको लौटा दूं, ताकि सही समय आने पर ये उस इंसान के पास जा सके जिसका इस पर असली अधिकार है। और आज जगिया की बातें सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया दादी से कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आप अपने पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ उसे ये सौंप पाएंगी। जाने छोरी, जब थारे दादू साहब हमारे साथ थे तो दुनिया का रंग ही कुछ और हो गया था, सब गुलाबी। छाया तक ना आने दी उन्हें मारे पर, ऐसे हथेड़ी में बिठा के रखे थे मुने, जैसे कोई रुई का फुआ हुआ। मैं भी खूब बड़ा घुमाण करी थी, इसलिए ना कि हमारे पास सारी सुख सुविधा थी, इसलिए कि हमारे पास हमारे बीद का भरपूर प्यार था। छोरी, आधी रोटी कम में इंसान खुश रह लेवे, पर आधी मुट्ठी प्यार कम हो जावे ना तो ना रह सके। रोज शाम को छत पे खड़ी हो जाती, जा देखती रहती थी, दूर से रेत का कोई भी बबूड़ा दिखतो ना तो सोचती लो वो आवे। फिर जब आते दिख जाते ना दूर से, सारी थकान आंखों के पड़क झपके में उड़ जाती। कभी कभी तो एकदम बच्चों जैसी चीजें उठा लावे थे। अरे मैं खूब छेड़ती उन्हें, और जो छेड़ती उनके भागने की जगह न छोड़ती तो एकदम से मुंह फड़ा लेवे थे, रूठ जाते, बोलते जो बस कर ना तो मैं चढ़ो जाऊंगा। चढ़े गए एक दिन, उस दिन तो छेड़ो भी ना मैंने उनको, ऐसे रोट गए के मनाने का मौका ही ना दियो। लो मैं भी जाने कब की बातें ले बैठी। छोरी, थारे से भी मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? मुझे जगदीश है तो खून मारो, पर ना मैं ना कोई और उसे उतनो पहचान पायो, ऐसो विश्वास दे पायो जैसो तूने दियो उसको। आज थारे विश्वास की जीत हुई है और मारी हार।
थारे से माफी मांगनी मारे को जो थारे पे थारी बात पे शक क्यों है ना। दादी सा, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप जानती है ना कि आप इस तरह की बातें करती हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात, ये हार या जीत इंसानों की नहीं हुई है, बल्कि जीत तो इस घर, इस परिवार और परिवार की खुशियों की हुई है। और एक सही बात बताऊं तो मैं अकेली नहीं थी जिसे जगह पर भरोसा था, कोई और भी था जिसने मेरे भरोसे को सहारा दिया। गंगा, गंगा को भी पूरा विश्वास था कि चकिया घर लौट आएगा, और देखिए वो आ गया। उसने मेरे और गंगा के दोनों के भरोसे का मान रख लिया। दादी सा, अपना बीता हुआ कल, हर दुख हर दर्द से, हर अच्छे बुरे काम से आजाद होकर आ गया चकिया आप सबके पास। अच्छा दादी सा, अब मैं चलती, वो घर आते ही होंगे। घर जाते जाते मंदिर में चढ़ा दीजो, ईश्वर करे जो खुशियां ऐसी बनी रहे। यस सर, अभी आना होगा। ठीक है, मैं अभी निकलता हूं। ऑल राइट। नहीं, अभी नहीं। अब सबसे पहले मैं आपसे अपने दिल की बात कहूंगी, फिर ही कोई और बात। अरे इंतजार कीजिए थोड़ा सा। आनंदी बिटिया, बड़ी काकी आप। जीती रहो, 100 साल जियोगी। आज ही तने याद किया था, मगर इतनी वक्त मंदिर में। वो दादी सा का चढ़ावा देने आए थे, पर आप ये बताइए कि आपने मुझे कैसे याद किया। अरे तुझे याद करने के 1000 मीठी मीठी बातें हैं, मगर आज सुबह सरकारी पत्री आई, मैं पढ़ ही नहीं पाई। तू थी तो अभ्यास करा देती थी, हम लोग खट खट पढ़ लेते थे। मगर हमारी मास्टरनी जी तो ब्याह के चली गई। खुश है ना? तू खुश तो हम भी खुश, रहने दे हमें अनपढ़। अगले 1-2 साल तक तो सिर्फ जैतसर में ही काम करेंगे, ऐसे में घर में बैठने से अच्छा है मुझे अपने स्कूल के बारे में फिर से सोचना चाहिए। अच्छा आनंदी, जग्या ठीक है ना? जग्या बिल्कुल ठीक है बड़ी काकी। लेकिन जग्या ने उस छोरी गंगा को घर में लाके ठीक नहीं किया। क्यों काकी? डॉक्टर है, इलाज करे, मगर मरीज को घर में रखना ये कहाँ का रिवाज है। मैंने सुना है कि वो उसे पहले से जानता है। जी, पर गंगा के नाम के अलावा जगह को सिर्फ इतना ही पता है कि उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए घर में रहना पड़ा। वो ब्याहता है, किसी के बच्चे की माँ है, और इतने दिनों से हवेली में रह रही, लोग तरह तरह की बातें बनावे हैं। बड़ी काकी, गंगा के पति ने खुद उसे जान से मारने की कोशिश की है, फिर ऐसे आदमी के पास गंगा को वापस कैसे भेजते हैं हम? और मान लिया कि उसका पति अगर रख भी लेगा गंगा को, क्या भरोसा शायद फिर से उसे मारने की कोशिश करे। इसीलिए हमें लगा कि बड़ी हवेली में गंगा सबसे सुरक्षित रहेगी। जिसके नाम का सिंदूर लगाए है उसी के कंधे पे जाए,
ये औरत का सौभाग्य होता है। पति उसका घर जो है जैसा है, औरत को अपना नसीब समझना चाहिए। खैर, ये तो हमारे जमाने की बात है। आज के जमाने की नई पौध, नई धूप, नई छांव। पर मन ने डर लागे है कि बड़ी हवेली की बड़ी इज्जत है कहीं। बड़ी काकी, औरतों पर तो हमेशा से अत्याचार होते आए हैं ना। फिर अगर कोई पूरे दिल से, साफ मन से उनकी मदद करना चाहे तो हमें उनका साथ देना चाहिए, तभी तो औरतों की स्थिति सुधर पाएगी। और हाँ, ये कोई बदनामी की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तो प्रशंसा और साथ देने की बात होनी चाहिए, है ना? इससे पहले कि पंडित जी मंदिर का दरवाजा बंद कर दे, मैं हो आती हूँ। अरे पंडित जी, देर हो गई ना मुझे, बस दारिसा का चढ़ावा रखना है। कोई बात नहीं बेटा, अंदर आ जाओ। चकिया ने वापस आकर सबका विश्वास जीत लिया है देवी माँ। धन्यवाद। अब बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि शिव के सामने कह पाऊँ कि मैं उनसे सच्चे मन से प्यार करने लगी हूँ। ये लो बिटिया प्रसाद। दो माजी साहब, मैं पग दबा दूं आपका। अरे ना ना, तू जाके आराम कर। अठे तो आराम ही आराम है माजी साहब, तो आराम को नहीं होवे मारे से। होने से पहले आपकी आशीष मिल जावेगी, ये मौका कहीं छोड़ू मैं। दो मन मैं दबा दू। दो बने ठीक ही कह रही थी थारे बारे में, निराली है तू, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार। समझदारी उम्र ने कोनी, अरे जीवन ने अपने आप ही सिखा दी माँ जी साहब। बिल्कुल हमारी आनंदी जैसी बातें करे तू, शायद इसीलिए तुम दोनों को भरोसा हो के मारो जगदीश आ जाओगे। तू जाने ही कितो जगदीश को तने कैसे इतना भरोसा था कि आ जावे को छोरा मारा। मैं ना जानू इसीलिए विश्वास था। थे लोगों ने वो पुराने वाले डॉक्टर साहब को देखा है ना, जो शायद ना समझते जिद्दी थे। थे लोगों को बहुत दुख भी दिया। मैंने उस डॉक्टर साहब को कोई नहीं देखा, हाँ कोई लेना देना ही को नहीं। मैंने तो बस वो डॉक्टर साहब को देखा है जो जो बहुत भले, हमेशा दूसरों की भली सोचे, जो मुझ जैसी अनजान का दुख को नहीं देख सके, लोगों को तकलीफ कैसे दे सके। आज सही मौका है और देवी माँ का आशीर्वाद भी ले लिया है। आज अपने दिल की बात कह ही दूंगी उनसे।
कहाँ चले गए इस वक्त? छोटी माँ, शिव कहाँ चले गए? बेटा वो सीएम साहब का फोन आया था कि उसे जल्दी से जयपुर के लिए निकलना पड़ा, कल सुबह तक लौट आएगा। अरे पर मेरे आने तक तो इंतजार कर सकते थे ना वो। हाँ, सीएम साहब से कह देते ना वो कि अभी मुझे आनंदी जी से परमिशन नहीं मिली है, जैसे ही मिल जाएगी वैसे ही निकल जाऊंगा। जैसे ही उन्हें जयपुर जाने के लिए कॉल आया तब से वो आपको फोन पे फोन लगा रहे हैं। लेकिन आपको अगर अपनी पुरानी फैमिली और अपने एक्स हस्बैंड की प्रॉब्लम सॉल्व करने से फुर्सत मिलेगी तभी तो आप मेरे भैया का फोन उठाएंगी ना। प्लीज बेटा, कुछ भी बोल देती हूँ। वो शिव ने बहुत ट्राई किया बेटा तुम्हारा फोन, लेकिन तुम उठा नहीं रही थी तो वो भी बेचारा बड़ा परेशान हो गया था कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो। वो मंदिर में थी छोटी माँ, इसीलिए नहीं उठा पाए। आती हूँ मैं। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना शिव कि आप इस तरह चले जाएंगे, तो मैं जरूर आपके फोन का जवाब देती, सीधे घर चली आती। पर पता नहीं क्यों आज मेरा भी दिमाग खराब हो गया और आपको सरप्राइज देने की सोच ली मैंने। आपको खुशी देना चाहती थी और दुखते बैठी। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। I'm sorry. I'm sorry, Shiv. मुझे आपसे माफी मांगनी है, अभी क्या भी मांगनी है।